हेलो एंड वेलकम टू ऑल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो हमारी कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक्स समझे थे और उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑडिट का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसमें ऑडिट ऑफ एक्सपेंस रिसेप्ट स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली थी आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती हैं ना उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो मैंटेन करे कमर्शियल अकाउंट्स और ये जो कमर्शियल अकाउंट्स है ये जनरली क्लासीफाइड होते हैं तीन कैटेगरीज़ में डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस दैट इज़ वो एंटरप्राइजेस जो किसी कमर्शियल या ट्रेडिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं बट उन पर जो भी लॉस फाइनेंशियल और अदर रेगुलेशन लगते हैं वो वही होते हैं जो एक नॉर्मल एक यूजल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर लगें दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल रेलवे पोस्ट ऑफिस ये सब डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस हैं दैन सेकेंड स्टेटूटरीज बॉडी कॉरपोरेशन जो क्रिएट किए जाते हैं बाय स्पेसिफिक स्टेट्यूट्स जो कि मोस्टली फाइनेंसड होते हैं बाई गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन ग्रांट्स एक्सेट्राफ जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन या सी बी आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये कुछ स्टेटरी बॉडीज है कॉरपोरेशन है जो क्रिएट की गई है बाई स्पेसिफिक स्टेटूट्स और फाइनेंसड है बाई गवर्नमेंट एंड देन एट लास्ट गवर्नमेंट कंपनीज लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कोल इंडिया ये जो भी तीन कैटेगरीज हैं इनको कमर्शियल अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है ये इनकी रिक्वायरमेंट है अब ये हमने पढ़ लिया कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है अब आप इसमें ऑडिट क्या करते हो आप इसमें ऑडिट करके ये चेक करते हो कि जो भी डिपार्टमेंटल कंसर्नस हैं ये अंडरटेक किए गए हैं एज पर द सेम मैनर जिस मैनर पे एक नॉर्मल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी जैसे देखो ऑल इंडिया रेडियो है पहले दूरदर्शन आता था वो भी एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी अब तुम उसे एक प्रॉपर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे ही देखोगे डायरेक्ट नहीं वो एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसपे वही रूल्स रेगुलेशंस लग रहे हैं जो एक प्रॉपर एक डायरेक्ट मेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे लगेगी तो ये चेक करो कि वो भी अपने कमर्शियल अकाउंट्स क्या उसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं जिस तरह से एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगा अब जो स्टेट्यूटरी बॉडीज़ है कॉरपोरेशन है उनकी ऑडिट डिपेंड करती है उस स्टेटूटरी बॉडी या कॉरपोरेशन के नेचर और टाइप पे कि कौन सी स्टेट्यूट गवर्न कर रही है उस पर्टिकुलर बॉडी को बट एज़ ये फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है तो इनकी ऑडिट कौन करेगा सी एंड ए जी और जब इसका कंपाइलेशन जो है अकाउंट्स का वो सी एंड ए जी करता है तो ऐसे केस में हमें ये चेक करना है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है वो यूजुअली फ़ॉलो किया गया है बाय अ प्रोफेशनल ऑडिटर म्यूटेडिस म्यूटानस इसका मतलब है कि जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो कर दिए गए हैं तो डिपार्टमेंटल कंसर्नस के केस में हमें ये चेक करना है कि कमर्शियल अकाउंट उसी तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं जिस तरीके से एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगा फिर स्टेड्यूटरी बॉडीज़ और कॉरपोरेशन के लिए सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि उसकी ऑडिट जो है वो कंडक्ट की जाएगी बाय सी एंड डे जी और जब सी एंड डे जी कंपाइल करेगा उनके अकाउंट्स को तो जो भी फंक्शंस नॉर्म स्टैंडर्ड्स है काम के वो फॉलो किए जाएंगे बाय प्रोफेशनल ऑडिटर्स अब जो गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट होती है वो कंडक्ट की जाती है बाय देयर ओन ऑडिटर्स जो अपॉइंट करता है सी एंड ए जी एक ऑडिटर अपॉइंट करने के साथ साथ सी एंड ए जी खुद भी कंडक्ट करता है एक सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स पेरियॉडिकल फाइनेंशियल ऑडिट करता है अप्रीजल ऑफ परफॉर्मेंस करता है और साथ में वो ये भी बताता है कि किस तरीके से ऑडिटर को काम करना है लाइक सी एंड ए जी साथ में इशू करता है डायरेक्शन कंपनी ऑडिटर के लिए कि उसे कुछ स्पेसिफ़िक एस्पेक्ट्स को लेके अपनी रिपोर्ट ड्रा करनी है जो कि रिव्यू की जाती है कंडेंस की जाती है एक ऑडिट रिपोर्ट में जिसे हम सबमिट करते हैं टू द गवर्नमेंट और लैजिस्लेचर्स और इस परपज के लिए सी एंड ए जी ने अपॉइंट एडोप्ट कर रखा है मेकनिजम ऑफ़ एन ऑडिट बोर्ड अब ऑडिट बोर्ड क्या कंप्राइज करता है ऑफ द ऑडिट नॉमिनीज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनल टू प्रोसेस रिव्यूज और अप्रीजल ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज़ इसमें बेसिकली ये बताया कि सी एंड डी जी की क्या क्या रेस्पॉसिबिलिटीज़ होती है रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑडिट गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट नाउ वॉट इज़ द रोल ऑफ सी एंड ए जी एस प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन वन फोर्टी थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट पहला तो अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं सी एंड डी जी के पास पावर होती है कि वो अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अब पावर टू तो अपॉइंट में सी एंड डी जी क्या करता है जो भी गवर्नमेंट कंपनीज़ है या ऐसी कोई कंपनी है जिसका फिफ्टी वन परसेंट और मोर पेड अप कैप गवर्नमेंट के पास है या अदर कंपनीज जो ओन या कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट तो ऐसी हर कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करेगा सी एंड डे जी और कौन से ऑडिटर अपॉइंट करेगा जो फर्स्ट ऑडिटर है और सब्सिक्वेंट है दोनों और सिर्फ अपॉइंट नहीं करेगा एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद सी एंड डे जी उसे डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से उसे चाहिए कि ये अकाउंट्स ऑडिट किए जाएँ और फिर इसके बाद जब ऑडिटर ऑडिट audit कर लेगा ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो वो अपनी रिपोर्ट की कॉपी सबमिट करेगा सी एंड ए जी को जिसमें अगर सी एंड ए जी ने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं तो वो भी इंक्लूड किए जाएंगे और जो भी वहाँ पे एक्शन लिया गया है जो भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी दैट इज़ बेसिकली इस पावर में हमने ये पढ़ा कि सी एंड ए जी पहले अपॉइंट करेगा ऑडिटर को फिर उसे बताएगा कि तुम्हें किस तरीके से ऑडिट करनी है किस डायरेक्शन पर यह ऑडिट करनी है एंड एट लास्ट फिर जब ऑडिटर ऑडिट audit कर लेगा तो वो ऑडिट रिपोर्ट जाके सी एन डी जी को सबमिट करेगा फिर ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सी एंड डी जी के पास पावर होती है टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट देअर ऑन जब कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है वो ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट कर देता है ना सी एंड डी जी को तब विद इन सिक्सटी डेज सी एंड डे जी कंडक्ट कर सकती है सप्लीमेंट्री ऑडिट और उस पर अपना कमेंट ड्रॉ कर सकती है अब ये सब्सिक्वेंट ऑडिट परफॉर्म कौन करेगा सॉरी सप्लीमेंट्री ऑडिट तो ये सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट किए जाएंगे बाय सच पर्सन और परसन जिन्हें सी एंड ए जी ऑथोराइज़ करेगा अपने बिहाफ़ पे अब पहले तो वो ऑथराइज करेगा कि कौन ये सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा दैन वो ये भी ऑथराइज़ करेगा कि अगर कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो फर्निश की जाए किसी ऐसे पर्सन person या पर्सनस को जो भी वही ऑथराइज़ करेगा दैट इज़ सी एंड ए जी ऑथराइज़ करेगा और ये किस फॉर्म में सबमिट होंगे ये भी सी एंड ए जी डायरेक्ट करेगा दैट इज़ सी एंड ए जी खुद जाके सप्लीमेंट्री ऑडिट नहीं कंडक्ट करता अब ज़रूरी थोड़ी है आपका सी एंड ए जी एक सी ए है वो किसी को अपॉइंट करेगा अपने बिहाफ में ऑथराइज़ करेगा उसे ये कंडक्ट करने को और बोलेगा कि अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी पर्सन को दो जो ऑथराइज्ड है एंड एट लास्ट ये इन्फॉर्मेशन इस पर्सन तक किस तरीके से लाई जाएगी किस फॉर्म में लाई जाएगी ये भी सी एंड ए जी ही बताएगा और अगर जो ऑडिट रिपोर्ट उसे सबमिट की गई है उस पर सी एंड ए जी अपनी तरफ से कोई कमेंट करता है या वो सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है दैट इज़ मान लो ऑडिटर ने ना ऑडिट करके उसे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की उसे इसमें कुछ मिस्टेक्स लगी या लगा कि यहाँ पर कोई तो इशू है तो उसने सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कराई अब जब सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट हो के उसे फिर एक ऑडिट रिपोर्ट मिली न्यू रिपोर्ट उस पर अगर सी एन डी जी अपना कोई कमेंट ड्रा कर रहा है तो वो कमेंट या ये ऑडिट रिपोर्ट देख के उसे लगा कि ये सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट लानी ज़रूरी थी अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट बनती है सप्लीमेंट्री रिपोर्ट या सी एंड डी जी का कोई कमेंट किसी रिपोर्ट में आता है तो वो कंपनी भेजेगी हर एक पर्सन को जो एंटाइटल्ड है उसकी कॉपी रिसीव करने को दैट इज़ हर एक मेंबर ऑफ कंपनी हर एक ट्रस्टी डिवेंचर होल्डर एंड टू ऑल दोज पर्सनस अदर देन सच मेम्बर और ट्रस्टी जो कि एंटाइटल्ड हैं टू रिसीव दिस और इस रिपोर्ट को एनुअल जनरल मीटिंग में भी शो किया जाएगा एट द सेम टाइम इन द सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट मतलब जब ऑडिट रिपोर्ट शो की जाएगी तब साथ में सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट भी शो की जाएगी या अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में गवर्नमेंट की कोई सॉरी सी एंड डे जी की अगर कोई कमेंट है तो वो भी इसके साथ शो की जाएगी सी एंड ए जी ना अगर उसे कंपल्सरी लग रहा है उसे नेसेसरी लग रहा है तो वो एक ऑर्डर पास करके ऑडिटर को ये बोल सकती है कि आप टेस्ट ऑडिट कंडक्ट करो कंपनी की अकाउंट्स पे पर ये जो टेस्ट ऑडिट होगा ये जो ऑर्डर सी एंड ए जी पास करेगी ये प्रेजोडाइज़ नहीं करना चाहिए प्रोविजंस को रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर और जब ये टेस्ट ऑडिट होती है तब सी एंड ए जी ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन का सेक्शन नाइनटीन ए वहाँ पर लागू होता है अब ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही है कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल ऑडिटर अपॉइंट करती है सी एन डी जी जिसको कंपनीज एक्ट का सेक्शन वन फोर्टी थ्री अलाउ करता है टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट या फिर टेस्ट ऑडिट देखो सप्लीमेंट्री ऑडिट पे तो आपने जब एक बार रिपोर्ट सबमिट कर दी ना उसके बाद आपको सी एन डी जी बोल सकती है कि आप सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करो या फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इशू करो बट टेस्ट ऑडिट में जनरली क्या होता है कि या तो आपको कंप्लायंस ऑडिट परफॉर्म करने बोलेंगे या परफॉर्मेंस ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है और कंप्लायंस ऑडिट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो सी एंड डे जी होती है वो डायरेक्ट करती है कि किस मैनर में कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट किए जाएंगे बाय स्टेड्यूटरी ऑडिटर और इंस्ट्रक्शन गाइड करती है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है उस ऑडिटर को रिगार्डिंग दिस मैटर कि वो कैसे परफॉर्म करेगा अपना फंक्शन अब कंपनी का सेक्शन वन फोटी थ्री सबसेक्शन सिक्स ब्रॉडली कवर करता है डायरेक्शन को रिगार्डिंग सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग अकाउंट्स इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा तो अभी तक तो हमने क्या समझा अगर सी एंड डी जी को ज़रूरी लग रहा है तो वो ऑर्डर के थ्रू ये बोल सकती है स्टेट ऑडिटर को कि आप कंडक्ट करो टेस्ट ऑडिट बट ये जो ऑर्डर है ये टेस्ट ऑडिट है ये किसी भी तरीके से प्रिजुराइज नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोविजन को रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर ऑल्सो ऑडिट किस तरीके से की जाएगी किस तरीके से ऑडिटर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा ये उसे पूरी तरह से डायरेक्ट और इंस्ट्रक्ट करते हैं सी एंड ए जी और जैसा कि हमने सप्लीमेंट्री ऑडिट में पढ़ा था लाइकवाइज सी एंड ए जी के पास पावर है वो चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है या टेस्ट ऑडिट बाय द पर्सन जिसे वो खुद ऑथराइज करेगा और इस परपज़ के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जो फर्निश की जानी चाहिए किसी पर्सन को अब ये पर्सन कौन है ये भी ऑथराइज़ करेगा सी एंड ए जी और किस तरीके से किस फॉर्म में इस पर्सन को ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी ये भी बताएगा सी एंड ए जी अब जब एक बार ऑडिट कंडक्ट हो जाएगी उसके बाद स्टेट ऑडिटर सबमिट करेगा कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सी एंड ए जी को जिसके पास राइट है कि वो उस पर अपना कमेंट ड्रॉ कर सकता है या उस रिपोर्ट के लिए सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इशू कर सकता है इन वॉट एवर मैनर उसे सही लगेगा अब जो सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री है कंपनीज एक्ट का वो इसके रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ड्यूटी इम्पोज करता है कि उन्हें एक्सप्लेनेशन या कमेंट प्रोवाइड कराना होगा एक्सप्लेनेशन देनी होगी कमेंट देना होगा अगर किसी भी तरह का रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क या डिस्क्लेमर ऑडिट की रिपोर्ट में दिया हुआ है तो एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अब इस प्रोविजन के लगने के पीछे भी तो कुछ रीजंस होंगे कुछ क्राइटेरियाज होंगे तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पे ये प्रोविज़न एबसेंट है जहाँ पे अभी के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाउंड नहीं होंगे सी एंड ए जी को रिप्लाई करने के लिए या किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने के लिए दैट इज़ जब आपको सेक्शन वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट बोलेगा आपको सिर्फ तभी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करानी है जो भी जनरल स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स टेक्निक्स प्रोसीजर सी एंड ए जी एडॉप्ट करता है वो एक तरह से मिक्सचर होता है ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट एंड कमर्शियल ऑडिट जिसे परफॉर्म कौन करता है प्रोफेशनल ऑडिटर दैट इज़ अभी तक जो हमने पढ़ा था ना कि सी एंड ए जी बताता है कि किस तरीके से ऑडिटर को काम करना है तो वही वो बताएगा स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स और जैसा कि हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ जो भी इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेशन कंपनीज़ हैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है हमारा नेचर और स्कोप ऑफ ऑडिट जहाँ हम पहले के टाइम पे कन्वेंशनल ऑडिट किया करते थे अब वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है फ्रॉम द एंगल ऑफ इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड अफेक्टिवनेस नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ़ गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स एक ऑडिट की ना अफेक्टिवनेस डिपेंड करती है उसके रिपोर्टिंग रिजल्ट पे और वो किस प्रॉपर अथॉरिटी को सबमिट की जा रही है उस पर सो so दैट जहाँ पॉसिबल हो ना वहाँ अप्रोप्रियट एक्शन लिया जा सके किसी भी तरह की इरेगुलरिटी इम को सही करने के लिए या एक बार तो हो गई किसी भी तरह की इरेगुलरिटी बट आगे उसे प्रिवेंट किया जा सके अब इन ऑडिट फाइंडिंग्स में ऑडिट फाइंडिंग की रिजल्ट्स पे रिपोर्ट करने की जो राइट और ऑब्लिगेशन होती है वो इनहेरेंट होती है टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिटर जनरल देर इज़ ये जो भी राइट और ऑब्लिगेशन है ये पूरी तरह से ऑडिटर जनरल के पास होती है जो कि सेफ की जाती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन या रिलेटेड एनेक्टमेंट्स मतलब जैसे याद करो हमने कल की क्लास पे गवर्नमेंट ऑडिट की पहली क्लास में स्टार्ट में क्या पढ़ा था कि एक बार जब आपने उसे अपॉइंट कर लिया सी एंड ए जी को उसके बाद आप उसकी फीस में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते तो अब क्या हुआ उसे सेफ़ गार्ड किया गया कैसे सेफ़ गार्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में या रिलेटेड एनेक्टमेंट में कोई प्रोविजन बना के उसे सेफ़ गार्ड किया गया अब अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती है सी एंड ए जी की या उसके पास क्या राइट्स होती है वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कर सकता है वो टेस्ट ऑडिट करा सकता है अब क्या पार्लियामेंट को कोई इंसान आके बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं कराने देंगे वो नहीं बोल सकता क्यों क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि सी एंड ए जी के पास ये राइट है दैट इज़ वाई उसके जो भी राइट्स हैं ऑब्लीगेशन है वो सेफ गार्ड किए जाते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन या रिलेटेड एनेक्टमेंट्स और ये जैसा कि हमने हमारी फ़र्स्ट क्लास में डिस्कस किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वन फिफ्टी वन ये बताता है कि सी एंड ए जी को रिपोर्ट करना होगा यूनियन के अकाउंट्स और स्टेट के अकाउंट्स को प्रेसिडेंट और गवर्नर से और फिर जब इन्हें एक बार ये रिपोर्ट मिल गई अब ये इस रिपोर्ट को लाएंगे बिफोर द लेजिस्लेचर्स और ना ही सिर्फ ये इन रिपोर्ट्स को लेड करेंगे बिफोर लेजिस्लेचर बल्कि ये साथ में इन्हें पब्लिकली इशू करेंगे ताकि एक प्रॉपर क्लाइमेट बना के रखा जा सके पब्लिक के ओपिनियन का कि क्या रेमेडियल एक्शन लिए जाने चाहिए या लिए जा सकते हैं जो ज़रूरी है ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिटर जनरल और इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक और सेफ़ गार्ड के तरीके से इफेक्टिव सेफ गार्ड के तरीके से इन In इंडिया जो रिपोर्टिंग होती है ना वो फैक्चुअल होती है और जो कंक्लूजनस होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं टू बी डन बाय रीडर जिसकी वजह से टोटल ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर की जा सकती है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब तुम समझ सकते हो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आपको जो भी ऑडिट फंडिंग्स मिली उसके बेसिस पे आपने रिपोर्ट इशू कर दी अब आप एक नॉर्मल किसी भी कंपनी की रिपोर्ट मान लो आप उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो चाहे ऑडिटर ने वहाँ पे कुछ भी रिपोर्ट किया हो उसका जो भी कंक्लूजन हो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है कैश रिजर्व बहुत दिख रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव है और अच्छा खासा अमाउंट है तो आपको लगेगा कि ये कंपनी कितनी सही है बहुत अच्छा काम कर रही है बेस्ट है तो वही है, जो रिपोर्टिंग होती है वो फैक्चुअल होती है और जो कंक्लूजन होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं टू बी डन बाय रीडर जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बनी होती है ऑब्जेक्टिविटी एंश्योर हो जाती है पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जो सी एंड ए जी को डी करे दैट इज़ जो सी एंड ए जी को रोके फ्रॉम मेकिंग रिकमेंडेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट सी एंड ए जी को तो रिकमेंडेशन देनी ही है इन ऑडिट रिपोर्ट बट ये ट्रेडिशनली पहले के टाइम पे ये चीज़ की जाती थी बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बट अब ये सी एंड ए जी का काम है आई होप आपको गवर्नमेंट ऑडिट अच्छी तरीके से समझ आ गया है इनकेस आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क आई विल क्लियर योर डाउट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ तो पहले इसका बैग्राउंड समझते हैं कि कहाँ से ये इवाल्व हुआ क्यों ऑडिट होती है लोकल बॉडीज़ की तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा लोकल बॉडीज़ को मुंसिपैलिटी एक मुंसिपैलिटी को आप समझ सकते हो एज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी दैट इज़ आप जहाँ भी रहते होगे आपने कभी ना कभी घर पे बात होते सुना होगा कि म्यूनसिपल वाले आ गए या कभी किसी के घर के आसपास की नाली वाली बहुत गंदी हो ना साफ़ नहीं हो रही हो या रोड साफ़ नहीं हो रहा हो कुछ भी इशू हो पब्लिक मैटर से रिलेटेड तो आपने सुना होगा बोलते हैं कि म्यूंसिपल में जाके कंप्लेन करनी होगी म्यूनसिपल ऑफिस जाना होगा तो ये क्या होता है ये एक यूनिट होता है तुम्हारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अब अर्बन एरियाज़ पे तो उस एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हुआ बट जो ऐसी एरियाज है जो स्मॉलर देन स्टेट है लाइक विलेजेस छोटी छोटी जगह पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है या एक बॉडी होती है जो रिप्रेजेंट करती है वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स को उनके जो भी इश्यूज हैं उनको रेजिंग एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू थ्रू लोकल टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग इट्स इनकम ऑन सर्विसेज जैसे आप गाँव में देख सकते हो पंचायत गाँव के लोगों से पंचायत कुछ कुछ रुपए लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कि तुम इस गाँव में रह के कमा रहे हो हमें टैक्स दो फिर उसे यूज़ करती है वहाँ के लोगों के वेलबिंग के लिए या कभी किसी गांव में कुछ इशू होता है तो गांव का एक एक इंसान जाके कंप्लेन करता है क्या उनकी कंप्लेन रजिस्टर की जाती है वहीं अगर उनका पंचायत जाएगा या आपने सुना होगा सरपंच पंचायत एक लोकल गवर्नमेंट की भी एक यूनिट आई होप आपको ये समझ आ गया कि म्यूनसिपलिटी क्या होती है अब नेक्स्ट एक पैरा दिया है जो बेस्ड है एक आर्टिकल पे ऑडिट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बाय आर चंद्रशेखरन सो इस आर्टिकल में ये लिखा था कि 1947 में जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुई है उसके बाद से मोस्ट ऑफ़ दी अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं किसी भी तरीके की एक या दो जिनमें से ना टॉप में आती है पहले आती हैं कुछ कारपोरेशन ऑफ मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता जिनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर रहा है बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहे हैं और जहाँ लेस स्टेट कंट्रोल रहा है और ज्यादा मुंसिपल बॉडीज का कंट्रोल रहा है पर उस समय में ना जो सर्विसेज ये लोकल बॉडीज आपको रेंडर कर सकती थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी टू एजुकेशन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन मेडिकल रिलीफ रोड्स कुछ फ्यू पब्लिक वर्क अब ये सिर्फ इतनी जगह के लिए रेस्ट्रिक्टेड क्यों है क्योंकि ये माना जाता था कि ये इनफिशियंट है ये ढंग से काम नहीं करती इनके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है इवन आज भी माना जाता है लाइक like हाँ कुछ तो गवर्नमेंट स्कूल सच में अच्छे नहीं होते बट कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं बट देन ऑल्सो जस्ट बिकॉज वो गवर्नमेंट स्कूल है तो लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है कि नहीं अच्छा नहीं होगा यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होगी रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इस थिंकिंग की वजह से इस रीज़न की वजह से जो ये लोकल बॉडीज़ हैं ये सिर्फ यहीं तक रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाती थी तो ये बेसिकली रेवेन्यू अर्न कहाँ से करती है टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी टैक्सेज ऑन रेड टैक्सेज ऑन परसनस किसी भी तरह की फीस लाइसेंस नॉन टैक्स रिसोर्स सचेज रेंट ऑफ लैंड हाउसेस इनकम फ्राम कमर्शियल अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सेट्रा अब इंडिया में मुंसिपल गवर्नमेंट कवर करती है कुछ फाइव डिस्टिंग टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल अथॉरिटीज वो होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस काउंसिल्स कमिटीज टाउन एरिया कमेटी कैंटनमेंट कमेटीज मुंसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है जो पब्लिक सेनेटरी बनानी होती है लाइक सुलभ शौचालय ये सब बनवाते हैं क्लीनिंग हाइजीन ये सब का ध्यान रखते हैं जो ड्रेन्स है गलीस है उस पर फोकस करते हैं तो वही म्यूनसिपल काउंसिल का काम होता है एक पूरे डोमेस्टिक एरिया में वाटर सप्लाई देखना किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पस को देखना पूरी पब्लिक हेल्थ को देखना सैनिटेशन कंसर्वेंसी को देखना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखना और जो ये नोटिफाइड एरिया कम्युनिटी होती है यह अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ये चेक करने को ये एडमिनिस्टर करने को कि क्या एरिया में एक रैपिड डेवलपमेंट दिख रही है या नहीं या उस डेवलपमेंट के लिए जो भी कंडीशंस नेसेसरी है वो किए जा रहे हैं या नहीं फिर वहीं आती है टाउन एरिया कमेटी जो आप हर जगह स्ट्रीट लाइट देखते हो ड्रेनेज देखते हो ये सब टाउन एरिया कमेटी संभालती है इनके एडमिनिस्ट्रेशन को टाउन एरिया कमेटी संभालती है जहाँ इनका काम होता है ना प्लान करना वाटर सप्लाई को पब्लिक हेल्थ को एजुकेशन को वहीं कैंटोनमेंट कमेटी का काम होता है उसे मेंटेन करना मतलब आप इसे हायरकी की तरह से समझ सकते हो एक प्लानिंग कर रहा है दूसरा एग्जीक्यूट कर रहा है तो अभी आपने समझा कि ये क्या फाइव टाइप्स को कवर करते हैं अब इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं स्पेसिफिक लोकल फंक्शंस रेगुलेटरी मेंटेनेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी वही जो अभी हमने समझा ऊपर पाँचों को समझते हुए अब ये मेंटेनेंस क्या का करेंगे रेगुलेट क्या को करेंगे डेवलप क्या करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किस चीज़ पे ये एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं तो ये चीज़ें ब्रॉडली क्लासिफाइड होती है कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू कलेक्शन पे पब्लिक हेल्थ पब्लिक सेफ्टी एजुकेशन पब्लिक वर्कस या अदर सच सचेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हमने सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते वक्त समझ ली है अब इनके मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हैं प्रॉपर्टी टैक्स या ऑक्ट्रॉय ऑक्ट्रॉय टैक्स उस टैक्स को बोलते हैं जो एक लोकल या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है कुछ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स पे जो एंटर करते हैं उनकी एरिया को इसके अलावा कुछ दूसरे टैक्सेस हो सकते हैं प्रोफेशन टैक्स नॉन मेकनाइज व्हीकल टैक्स टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट एनिमल स्पोर्ट्स टोल्स या एट्सट्रा अब ये जो टैक्सेशन पावर्स होती है ना इन कॉर्पोरेशन के पास ये कन्फाइंड होती है किसी फ्यू आइटम्स तक के में और ये जनरली एक कंपल्सिव नेचर की होती है मतलब ज़रूरी हो अनिवार्य हो ऐसी वहीं ऑन द अदर हैंड जो टैक्स पावर होती है अर्बन लोकल अथॉरिटीज़ के पास वो कवर करती है एक वाइड रेंज को ऑप्शनल होती है अपने नेचर पे सब्जेक्ट होती है सब्जेक्टेड टू प्रोसीजर्स फॉर देयर इम्पोजिशन रिक्वायरिंग द फाइनल सेंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज़ अगर इस स्टेट गवर्नमेंट के पास सौ चीज़ों पर टैक्स लगाने की अथॉरिटी है तो वहीं कारपोरेशन के पास दस चीज़ों की है अब ये जो लोकल बॉडीज़ होती है ना ये रिसीव करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स किससे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से तो ब्रॉडली ये रेवेन्यू ग्रांट्स इनके लिए तीन कैटेगरी के होते हैं जनरल स्पेसिफिक स्टेड्यूटरी और कम्पल्सटरी जनरल पर्पस ग्रांट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली एक गैप को ब्रीच करने के लिए होते हैं बिटवीन नीड्स एंड रिसोर्स ये लोगों की नीड्स है ये यहाँ पे रिसोर्सेज है अब ये रिसोर्सेज इन लोगों तक पहुँचाना इस गैप को ब्रीच करना इसके लिए मिले ग्रांट्स को हम कहते हैं जनरल परपज़ ग्रांट्स अब जो ये स्पेसिफ़िक परपज़ ग्रांट होते हैं ये नाम से ही समझ आ रहा है किसी स्पेसिफिक किसी सर्टेन सर्विस और उनके परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं अब ये स्टेड्यूटरी और कंपनसेटरी ग्रांट्स क्या होते हैं अभी हमने जस्ट ऊपर ये पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है वो बहुत सारी चीज़ों में टैक्स लगा सकते तो कभी इनकेस ऐसा हुआ कि अभी तक एक पॉइंट तक लोकल बॉडी थी जो इस पर्टिकुलर आइटम पर टैक्स ले रही थी बट अब इस पर टैक्स लगाने लग गई है स्टेट गवर्नमेंट तो इसकी वजह से जो भी लॉस होगा ना इनके रेवेन्यू को ऑन टेकिंग ओवर अ टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट इसके कंपनसेशन के लिए दिया गया ग्रांट तो ये तीन तरीके के ग्रांट मिलते हैं लोकल बॉडीज़ को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ना ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अब ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करती क्या है जो अभी हमने अभी तक जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं म्यूनसीपैलिटी के बारे में कि वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये मेंटेनेंस करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो जो भी इनकी पॉलिसीज़ होती है ना इनके इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करती है फ़ाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये एक ऑडिटर के लिए इमिनेंट होगा ज़रूरी होगा कि वो समझे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक लोकल बॉडी की अपनी ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले उसे एम्बार्क करने से पहले अब आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे समझोगे क्या एज ए ऑडिटर उनके बजटरी प्रोसीजर्स अब ये बजटरी प्रोसीजर्स होते क्यों हैं क्या होते हैं ये बनाए जाते हैं जनरली टू सब सर्व जो ट्विन कंसिडरेशन है ऑफ़ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज़ एस यू you नो know, हम कोई भी काम करने से पहले उसके लिए एक बजट बनाते हैं कि हमें इतने खर्चे लग सकते हैं हमारे पास इतनी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हमारे पास इतना पैसा है हमारे इतने खर्चे लग सकते हैं इस काम पे तो हमें कितना स्पेंड करना चाहिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है ना कि वो इंश्योर करे कि जो भी फ़ंड्स रेस किए गए हैं जो भी पैसे हैं वो स्पेंड किए जा रहे हैं बाय एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट दैट इज़ जिनके पास राइट right है उनके द्वारा ही स्पेंड किए जा रहे हैं एंड दैट टू इन अकॉर्डेंस विद जो भी रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं अब रूल्स और रेगुलेशन के तहत आप कर रहे हो स्पेंड जिसे करना चाहिए वही कर रहा है बट एक लिमिट भी तो होगी ना जो सेंशन की जाएगी बजट जब बनाओगे तो वो जो खर्च कर रहे हैं वो विद इन द लिमिट्स ऑफ सेंक्शन है और ऑथराइज़ किए गए हैं बाय लेजिस्लेचर इस चीज़ को कौन इंश्योर करता है बजटरी प्रोसीजर जैसे एक बजट बना दिया गया कि हम कि हम हाउस फाइनेंस लोन के नाम पे वन करोड़ देंगे और ये वन करोड़ देने की अथॉरिटी हम इस पर्सन को दे दैट इज़ ये ऑथराइज कर दिया है लेजिस्लेचर ने ये किस तरीके से होगा ये सब डिफाइन करके रूल्स और रेगुलेशन भी बता दिए गए हैं लिमिट भी बता दी गई है कौन करेगा ये भी बता दिया गया तो ये बजटरी जो प्रोसीजर्स होते हैं इनके बारे में समझने से हम ये इंश्योर करते हैं इनकी ऑडिट करके हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी खर्चे किए जा रहे हैं वो लिमिट में हो रहे हैं रोल्स रेगुलेशन के हिसाब से हो रहे हैं और अप्रूव किए गए हैं बाई लेजिस्लेचर बजट प्रिपरेशन में बेसिकली आप यूजुअली क्या करते हो ये कोकेशन होता है जहाँ आप डिटरमाइन करते हो क्या लेवल ऑफ टैक्सेशन होंगी क्या रेट्स होंगे और क्या सीलिंग होगी एक्सपेंडिचर पे अब ये जो म्यूनसिपल बजट के फॉर्मेट्स होते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ये वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट हर स्टेट की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी जो भी है वो सब अलग अलग फॉर्मेट में बनाती है अपने अकाउंट्स को कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटीज़ के बीच में भी वेरिएशंस होती हैं दोनों अपने अपने अकाउंट्स को अलग अलग फॉर्मेट में बनाते हैं अलग तरीके से शो करते हैं म्यूनसिपल बजट में ना जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो आपको देखने को ही मिलेगी इज़ दैट कि वहाँ पर ना कोई अलग सा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होता रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक हेड दिखेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो कवर करेगा मोस्ट ऑफ द कैपिटल ट्रांजैक्शन को बस इसके अलावा अलग से किसी भी तरह की कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को सेपरेट करके नहीं शो किया जाता पर वहीं आपको कुछ नंबर ऑफ़ स्पेशल फंडस देखने को मिल सकती हैं सेपरेट बजट फॉर स्पेसिफ़िक म्यूनसिपल फंक्शन देखने को मिल सकते हैं जैसे इनका एक फंक्शन होता है एजुकेशन प्रोवाइड कराना तो उसे लेके सेपरेट बजट देखने को मिल सकता है या वाटर सप्लाई सैनिटेशन ट्रांसपोर्ट इन सब को लेके सेपरेट बजट देखने को मिल सकता है सो इन शॉर्ट बजटरी प्रोसीजर में आप उनके बजट को समझते हो एक तरह से उनकी बजट की अकाउंटिंग एंड ऑल ये सब समझते हो देन कम्स एक्सपेंडिचर कंट्रोल जो किसी भी स्टेट में एक फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है ना या सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल पे वो कंडीशन होता है वो एक तरह से डिपेंड होता है एक क्लियर फैक्ट पे एक क्लियर डेमोक्रेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे दैट इज उनका जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड रहता है इस बात पे कंडीशन रहता है कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में एक बाउंड्री है डेमोक्रेशन डेमोक्रेशन मतलब एक बाउंड्री होना अब लेजिस्लेचर में कौन आता है जो प्लान्स बनाते हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और एग्जीक्यूटिवस में जो इन प्लान्स को इनके बनाए प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री होना इस चीज़ पर कंडीशन होता है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल अब सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर दे दोगे तो उसका मिस हो सकता है बट उसी पावर को दो लोगों में बांट दोगे तो मिसयूज़ होने के चांसेस कम है दैट इज़ वहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा हो सकता है दूसरा जब ये इंटीग्रेशन जो ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो भी पावर्स हैं वो मिल के एक साथ काम करते हैं ना तो फिर एग्जीक्यूटिव के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टू फंक्शन एज इट्स इंक्विजिटोरियल बॉडी एज़ वेल्थ इंक्विजिटोरियल का मतलब होता है जिज्ञासा जिज्ञासु मतलब एग्जीक्यूटिव जो है उनको मन रहता है ना उनके पास समझो आप उनको दिया गया सौ करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगा दो एक बार में वो जाके कर सौ करोड़ लगा के आ गए ऐसे नहीं होता धीरे धीरे करके हर स्टेप में पैसे लगते हैं तो अब किस स्टेप में लगेंगे ये उनको कौन बताएगा लेजिस्लेशन अब वही अगर इन दोनों के पावर्स को मिला के एक साथ एक स्ट्रेटजी ना बनाई गई होती तो एग्जीक्यूटिव का जहाँ जैसे मन करता जैसी उनकी जिज्ञासा होती वो उधर खर्च कर देते हैं इसलिए कहा है कि जब इन दोनों की पावर्स को साथ ला के कोई काम किया जाता है तब ये एग्जीक्यूटिव डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो इंक्विजिटोरियल बॉडी की तरफ काम करें और साथ ही साथ जो ये सेपरेशन है ना एग्जीक्यूटिव पावर्स और फंक्शंस की ये किसी भी तरह से एक्मोडेट नहीं करेगी किसी भी तरह से जगह नहीं देगी किसी एग्जिस्टेंस को एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबल है म्यूनसिपल काउंसिल या एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए दैट इज़ एक फ़ाइनेंशियल ऑफिसर जो ये काम कर रहा होगा वो एज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑफिसर काम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन उसे डिपेंड रहना होगा दूसरे पे जैसे एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना है इसके लिए इसे डिपेंडेंट रहना होगा लेजिस्लेचर पे और एक बार लेजिस्लेचर ने प्लान बना दिया तो इन्हें डिपेंडेंट रहना होगा इन पे कि ये परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं तो इसलिए इसी सेपरेशन की वजह से किसी भी तरह से ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं होगा किसी तरह से एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब काम को परफॉर्म करने के लिए पर इसकी वजह से अब एक चीज़ ये भी होता है अगर कोई गलती हो गई ना तो कोई एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल मानेगा ही नहीं खुद को कि ये मेरी वजह से हुई है ये बोलेंगे इनकी गलती है ये बोलेंगे इनकी गलती है जिसकी वजह से जो लास्ट एक ओनली ऑप्शन बचता है इन मुंसिपल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का वो है एक्सटर्नल ऑडिट क्योंकि जब आप ऑडिट करते हो आप हर एक चीज़ को इस तरीके से चेक करते हो कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम है और इसी तरह ऑडिट की हेल्प से हम एक्सपेंडिचर कंट्रोल करते हैं देन अकाउंटिंग सिस्टम अब एक ऑडिटर को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना सबसे पहले क्यों इतना ज़रूरी होता है क्योंकि जो म्यूनसिपल अकाउंटिंग और बजट्स होते हैं ना उनके फॉर्मेट्स ना तो सिंपल होते हैं ना ही कॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं देट इज़ ना ही एकदम सिंपल से होंगे ना ही पूरे डिटेल में होंगे कभी तो वो इन एडिकुएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे या कभी तो सर फेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब भर भर के इन्फॉमेसन अब ये दोनों ही सिचुएशन कंड्यूसिव तो नहीं होगी एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के लिए इसको ना आप अपनी पढ़ाई के ऊपर लेके समझो अब ये एक छोटी सी टॉपिक में बस इतना सा लिख दिया है आपको डिटेल में समझ आ गया कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है क्या इशू होता है नहीं बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया क्या ये सही है नहीं अब अगर इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बना देता कि आप पूरा एक दो पेज का पैराग्राफ बना देता तो आप वहाँ भी इिटेट हो जाते यार इतना क्या लिखा है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में, में एक्सप्लेन करता लाइक वाइज अकाउंटिंग सिस्टम भी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे तो भी एक दिक्कत वाली बात है और सरफीड ऑफ इन्फॉर्मेशन भर भर के कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दे तो भी वो अच्छी बात नहीं है और ये चीज़ होती है म्यूनसिपल अकाउंटिंग और बजट फॉर्मेट में इसलिए एक ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले समझ ले फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल बॉडीज़ की बिफोर उसने ऑडिट स्टार्ट की आई होप यू आल आर क्लियर विद दिस टॉपिक नाउ ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ़ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ ऑब्जेक्टिव क्या है इनकी ऑडिट करने के पीछे जो एक्सटर्नल कंट्रोल मुंसिपल एक्सपेंडिचर पे लगाया जाता है एक्सरसाइज किया जाता है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑडिटर फॉर मुंसिपल ऑडिट दैट इज़ मुंसिपल्स के एक्सपेंडिचर को कौन देखेगा ये चेक करती है स्टेट गवर्नमेंट हाउवेवर जो मुंसिपल कॉरपोरेशन हैं डेली मुंबई और कुछ अदर प्लेसेस की उनके पास पावर है कि वो खुद से अपॉइंट करें अपना ओन ऑडिटर फॉर रेगुलर एक्सटर्नल ऑडिट नाव लेटस नो वट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिवस ऑफ ऑडिट तो सबसे पहला जो हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी तरह की ऑडिट किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो हमें सबसे पहली चीज़ तो ये बतानी होती है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं दैट इज़ सही तरीके से उन्हें प्रिपेयर और प्रेजेंट किया गया है या नहीं एंड देन उसके बेसिस पे फिर हम ये भी रिपोर्ट करते हैं कि कितने स्ट्रेंथन या वीक है उनके फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम देन हमें रिपोर्ट करना है इस बात पे कि वो कितना समर्थन करते हैं कितना कम्प्लाई करते हैं लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स के साथ फिर इस चीज़ पे भी रिपोर्ट करेंगे कि जिस भी चीज़ पर पैसे खर्च किए गए हैं क्या उसकी वैल्यू मिल रही है उसकी वैल्यू फुलफ़िल हो रही है दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल मान लो स्कूल बनवा दिया स्कूल बनवाने में खर्चे कर दिए उस स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है या टीचर भी ले आए अब उस स्कूल में कोई बच्चा ही नहीं आ रहा तो क्या उसकी वैल्यू फुलफ़िल हुई नहीं तो हम इस चीज़ पे भी रिपोर्ट करेंगे एंड एज वी ऑलवेज डू डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर फ्रॉड मिसयूज ऑफ रिसोर्स तो लोकल बॉडीज़ की ऑडिट के लिए हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होती है सबसे पहले हमें उनकी फेयरनेस पे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयरनेस पे रिपोर्ट करना होता है देन उनके फाइनेंशियल कंट्रोल के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वो कितनी अच्छी तरीके से कंप्लाई कर रहे हैं अधेरेंस कर रहे हैं लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट से एंड ऑल्सो जिस चीज़ पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं क्या वो चीज़ सही तरीके से हो रही है एंड एट लास्ट हमें डिटेक्ट करना होता है प्रिवेंट करना होता है अगर किसी भी तरह का फ्रॉड एरर या मिस यूज़ ऑफ रिसोर्स हो रहा हो तो तो इसी तरह इसी वजह से ऑडिट एक तरह से मेथड है फाइनेंशियल कंट्रोल एक्सरसाइज करने का लोकल गवर्नमेंट पे आल्सो दिस प्रोविजन इज़ कपल्ड विद प्रिविलेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स दैट इज अगर लोकल अथॉरिटी ऐसा कोई भी काम करती है जो उसके लीगल अथॉरिटी के बियॉन्ड है दैट इज उसके पास जिस चीज़ की राइट नहीं है अगर वो ऐसे भी कोई एक्शंस करती है तो वो एक्शन रिजल्ट कर सकता है इन सरचार्ज बाय ऑडिट और ये जो सरचार्ज वाला प्रोसीजर था ना ये लेगेसी हुआ करती थी कॉलोनियल डेज़ की और आज के टाइम पे इंग्लैंड में ना इसे बहुत कम से कम यूज़ किया जाता है या इसका बहुत कम सहारा लिया जाता है जिसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो गए हैं लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बीच में कि कौन कैसे काम कर रहा है कितने अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है इसलिए ये भी माना जाता है ना कि इन एडिशन टू एक्सटर्नल ऑडिट मुंसिपल इंस्टीट्यूशन के पास एक इंटरनल ऑडिटर भी होना चाहिए जो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करता रहे टाइम टू टाइम जो कि प्रोवाइड कराया जाना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन के ओन स्टाफ के द्वारा जो कि परफॉर्म किया जाना चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पे टाइम टू टाइम इंटरवल टू इंटरवल एक वेल डिफाइंड मैनर पे दैट इज़ वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म किए जाने चाहिए इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जाने चाहिए कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो पूरी तरह से एबल हो टू रिलाई अपऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सिस्टम ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि वहाँ पर कोई इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है अब ये हो सकता है इन केस ऑफ या तो बहुत ही स्मॉल बॉडी है या पुअरली स्टाफ है म्यूनसिपैलिटीज़ दैट इज़ उनके पास ऑडिटर ही नहीं है सी ही नहीं है तो ऐसे केस में फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को एकदम डिटेल चेकिंग करनी पड़ती है तो जैसा कि हमने गवर्नमेंट ऑडिट में भी डिस्कस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दी जाती है उन चीज़ों को जो डिस्क्राइब है एज वैल्यू फॉर मनी दैट इज़ जो इस टाइप की ऑडिट होती हैं जो वैल्यू फॉर मनी पे फोकस करती हैं ये साथ ही साथ फोकस करती है असेसमेंट पे कि क्या जो अर्बन इंस्टीट्यूशनस है वो फुलफ़िल कर पा रही हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एफिशेंसी इकनॉमी और अफेक्टिवनेस के साथ अब जो अभी हमने पढ़ा कि उनका ऑडिट प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए सो लेट इज रीड अबाउट ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज अब अपॉइंटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे कि म्यूनसिपल अकाउंट्स की ऑडिट के लिए ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है कौन इनका इंचार्ज होता है तो स्टेट गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी कमेटी कौन सा एरिया जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है द लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ जनरली इंचार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ मुंसिपल अकाउंट्स फिर हमने ये भी पढ़ा था लेकिन कुछ बीगर मुंसिपैलिटी कॉरपोरेशन दैट इज़ दिल्ली मुंबई एटसेट्रा जैसी जगह पे उनके खुद के पास पावर होती है कि वो अपने लिए खुद से अपॉइंट करें एक ऑडिटर फॉर रेगुलर एक्सटर्नल ऑडिट सो द ऑडिटर शुड एनश्योर हिज अपॉइंटमेंट अब आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया ना ऑडिटर की कंसर्न किया है तो जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ऑडिटर ऑडिट करके रिपोर्ट करेगा फेयरनेस पे ऑफ कंटेंट एंड प्रजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके फाइनेंशियल कंट्रोल की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे उसके अधेरेंस पे टू लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट अधेरेंस मतलब समर्थन करना कंप्लाई करना एंड देन की क्या वैल्यू फुल्ली रिसीव हो रही है जो मनी स्पेंड की गई है उस पर और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि वो डिटेक्ट करें अगर किसी भी तरह का एरर फ्रॉड या मिस उसे दिख रहा है तो अब क्या रूल्स और रेगुलेशन का उसे ध्यान रखना होता है तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना होता है कि अगर किसी भी तरह की एक्सपेंडिचर इनकर की जा रही है तो वो कम्प्लाई कर रही है वो कन्फर्म कर रही है रेलिवेंट प्रोविजन्स के साथ वो इन अकॉर्डेंस में है विथ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलशन फ्रेम बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइजेशन उसे ये इंश्योर करना है कि जितने भी तरह के सेंक्शन कोई भी स्पेशल हो जनरल हो कुछ भी हो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा की गई है दैट इज जिसके पास राइट right थी उसी के द्वारा की गई है एंड देन प्रोविजनिंग यहाँ पे उसे ये इंश्योर करना होता है कि प्रोविज़न ऑफ़ फंड बनाए गए और अगर किसी भी तरह का एक्सपेंडिचरिंग कर किया जा रहा है तो उस प्रोविज़न से ही किया जा रहा है और वो ऑथराइज किया गया है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट इज़ उन्होंने एक प्रोविज़न बना दी कि हमें रोड बनाने के लिए ना सौ करोड़ खर्च करने हैं तो अब रोड बनाने में जो भी पैसा खर्च हो रहा है इस सौ करोड़ में से ही होगा ये इंश्योर करना एंड देन एट लास्ट ऑडिटर चेक करेगा उनकी परफॉर्मेंस जहाँ पे वो चेक करेगा जो भी डिफरेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए गए हैं जिसपे कुछ ज़्यादा ही लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है क्या वो रन कर रहे हैं इकनॉमिकली क्या उस पर जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने सोचा था वो हम पा रहे हैं वो हम रिसीव कर पा रहे हैं एंड हियर वी आर डन विद द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट ऑफ एन जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट